वृंदावन एक पवित्र धरती जहां हर किसी का दिल भक्ति से भर जाता है। यहां के पावन चरणों में आकर कई जीवन बदल गए। ऐसी ही एक कहानी 23 वर्षीय प्राची की है, जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया छोड़ भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है। क्या नाम है आपका? वैसे प्रिया शर्मा है, और जब दीक्षा हो गई तो ब्रज प्रिया दासी कर दिया। एक समय था जब प्राची अपने फैशनेबल जीवन और मॉडलिंग करियर के लिए जानी जाती थी, डांस पार्टियां, मस्ती की रातें और कॉलेज की पढ़ाई। लेकिन जब उन्हें गंभीर बीमारियों ने घेर लिया तो उनका जीवन एक नए मोड़ पर आ गया। माइग्रेन और पथरी ने उन्हें तकलीफ में डाल दिया और उपचार के सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन फिर वृंदावन की ओर उनका रुख हुआ। यहां आकर उन्होंने राधा रमण मंदिर के दर्शन किए और एक अद्भुत अनुभव से गुजरी। उन्होंने महसूस किया कि कृष्ण की भक्ति में ही उनके दुखों का इलाज छिपा है। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से कृष्ण के नाम समर्पित कर दिया और ब्रज प्रिया दासी के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। पहले ये था कि मॉडलिंग करती थी, नॉर्मली कैजुअली घूमना फिरना, और कुछ रीज़न थे ऐसे कि फिर मैं बाहर चली गई। 6 महीने बाद मैं वापस वृंदावन आई तो फिर चेंजिंग बिल्कुल हो गई कि मैं भक्ति वगैरह करने लगी। मुझे माइग्रेन हुआ और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें स्टोन्स वगैरह प्रॉब्लम है, तो मुझे एक सॉल्यूशन ऐसा लगा कि मुझे नाम जप करना चाहिए और उन बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलेगी मुझे। सब राधा रमन देव जी की कृपा से हुआ कि मंदिर जाना शुरू हो गया था मेरा, और फिर जब गुरुदेव को मैंने पहली बार देखा तो मुझे ऐसी भावना एकदम मन में आई कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो फिर मैंने वो दीक्षा ले ली। आज ब्रजप्रिया दासी के रूप में प्राची ने अपने पुराने दोस्तों को भी प्रभावित किया है। पहली बात तो ये कि मैं ब्रजवासी हूँ, तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मॉडलिंग हर कोई कर रहा है, हर कोई खा रहा है पी रहा है, क्लब जा रहा है, मेरी एज वाली लड़कियाँ ऐसी है, कॉलेज में भी मैं पढ़ती हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि अपनी सनातन जो चीज़ें हैं ट्रेडिशनल, उन सबको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हाँ, बहुत अलग होता है वो। मुझे जब मैं उनसे कॉलेज में मिली इतने टाइम बाद, तो मुझे बोलते कि एकदम से भक्ति में आना, क्या तुम शादी नहीं करोगी, क्या हो गया, एकदम चेंज हो गई। तो मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए। और मैं सबके लिए यही कहूँगी कि सबको अपने कल्चर को फॉलो करने रहना चाहिए, कि वो अगर मॉडलिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको अपने भक्ति में हमेशा रहना चाहिए। और वो भी कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनके जीवन में अब कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, बस कृष्ण का नाम और उनकी भक्ति है।